हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के ब्रिस्टेक चैनल्स में स्वागत करता हूँ। आज फिर हम पढ़ने वाले हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जीके से रिलेटेड करते हैं, वो किस तरह से आते हैं, ठीक, और कि आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये आते हैं जितने मैं बता रहा हूँ, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पेपर से लिया गया क्वेश्चंस है, जो कि एक बार नहीं कई बार आए हैं, ठीक। उनमें से क्वेश्चन छांट कर मैंने लिखा है, ठीक ना। यहाँ पे तो देखते हैं कि ये पाषाण उपकरण निर्माण का केंद्र ईशानपुर नीम में किस राज्य में स्थित है। ईशानपुर कहाँ है? कर्नाटक में है। तो इसके आंसर क्या होगा? कर्नाटक, क्योंकि महाराष्ट्र में नहीं है, ना गोवा में है, ना राजस्थान। तो पाषाण उपकरण निर्माण का जो केंद्र है ईशानपुर नीम कर्नाटक राज्य में है, ठीक। तो इसका क्या होगा? आंसर सी, ठीक, सी होगा। और फिर क्या होता है? पेलिनोलॉजी अध्ययन क्या कहलाता है? पेलिनोलॉजी अध्ययन परागकण का अध्ययन, जिसमें परागकण के अध्ययन किया जाता है, ठीक, उसे पेलिनोलॉजी कहा जाता है। पेलिनोलॉजी प्राचीन वनस्पति अवशेष में नहीं होता, प्राचीन जंतु अवशेष में नहीं होता, जंतु अस्थियों का परीक्षण में नहीं होता, ये कहाँ होता है? परागकण में होता है। पेलिनोलॉजी परागकण के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल निम्न में से कहाँ स्थित है? ये गुप्त काल निम्न में से कहाँ स्थित? स्वात घाटी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु घाटी, गंगा नदी, ठीक। तो इसका आंसर होगा सिंधु घाटी। ये गुप्त काल निम्न में से कहाँ स्थित है? सिंधु घाटी। ये जब हड़प्पा सभ्यता आप पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत ये आपको पता चलेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या होती है और उसके पास कहाँ पर स्थित है, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल था। जो हड़प्पा सभ्यता है, जो हमने अभी बताया कि सिंधु घाटी जो है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, उसके उत्कर्ष का काल क्या था? पहला ऑप्शन है 1000 से 600 BC, तीसरे ऑप्शन है 2250 से 1750 BC, तीसरा ऑप्शन है 1500 से 1000 BC। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह, ठीक, ईसा पूर्व कह सकते हैं आप, ईसा मसीह यानी ईसाइयों के देवता, ठीक। तो इसके आंसर होगा बी नंबर, 2250 से 1750 BC तक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रुति साहित्य में निम्न में कौन शामिल नहीं था? श्रुति साहित्य में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? ब्राह्मण, ब्राह्मण, वेदांग, आरण्यक, उपनिषद। वेदांग, श्रुति साहित्य में वेदांग स्थित नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये कैसे वीडियोज लगे, आपको ये क्वेश्चंस कैसे इंपॉर्टेंट लगे या नहीं, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको कंपटीशन की तैयारी करने में बहुत ही यूजफुल होगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके। तो थैंक यू दोस्तों।